नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो का टॉपिक है हाइपोकेलीमिया हाइपोकेलीमिया हॉस्पिटलाइज पेशेंट में काफी कॉमन होता है और हाइपोकेलीमिया की प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिकवरी अर्ली हो सकती है हाइपोकेलीमिया में सिरम पोटेशियम लेवल थ्री पॉइंट पर लीटर से कम होती है माइल्ड हाइपोकेलीमिया में सिरम पोटेशियम लेवल थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव पर लीटर के बीच होती है वही मॉडरेट हाइपोकेलीमिया में सिरम पोटेशियम लेवल टू पॉइंट फाइव टू थ्री पर लीटर के बीच होती है जब सीरम पोटेशियम लेवल टू पॉइंट फाइव पर लीटर से भी कम होती है तो उसे सीवियर हाइपोकेलेमिया बोला जाता है पोटेशियम के मेटाबोलिज्म को समझते हैं पोटेशियम ये मेन्दी इंट्रासेलुलर कैटाइन होता है और बॉडी का ज्यादातर पोटेशियम इंट्रा सेलुलरली स्टोर्ड होता है पोटेशियम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है जहां सीरम में पोटेशियम की लेवल 3.5 टू 5.5 मिली इक्वाल पर लीटर के बीच मेंटेन होती है दो ऐसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिससे पोटेशियम लेवल अफेक्ट होती है जब ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से सेल में एंटर करता है तब अपने साथ पोटेशियम को भी ले जाता है दूसरा जब एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तब पीएच को मेंटेन रखने के लिए इंट्रासिलर पोटेशियम हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है 90 परसेंट पोटेशियम एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है और लगभग 10 परसेंट एक्सक्रीशन स्वेट और अदर बॉडी फ्लूड्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है किडनीज से होने वाले एक्सक्रीशन किडनीज़ पे आने वाले सोडियम लोड और अल्डोस्टेरॉन लेवल पे डिपेंड करता है हाइपोकलीमिया इनएडिक्ट इंटेक या फिर एक्सेसिव लॉस से हो सकता है जो कि कॉमनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से होता है जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन में अगर पेशेंट का नेजोगेस्ट्रिक सक्शन हो रहा हो या फिर नॉन गैस्ट्रो लॉस जैसे कि प्रोफ्यूसविटी इन डिजीजेज में पोटेशियम लॉस के साथ साथ किडनी से पोटेशियम एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है चलिए समझते हैं कि कैसे इन इलनेसेस में हाइपोवोल्यूमिया और सोडियम लॉस भी होता है जो फीडबैक लूप से सीरम अल्डोस्टेरॉन की लेवल को बढ़ाते हैं अल्डोस्टेरॉन पोटेशियम के एक्सचेंज में सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिससे कि सीरम पोटेशियम लेवल और कम हो जाती है हाइपोकेलेमिया पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट की वजह से भी हो सकता है जैसे कि अल्कोलोसिस में इंसुलिन यूज में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज में एनाबोलिक स्टेट फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के बाद जब फीडिंग शुरू करते हैं तब लार्ज नंबर में सेल्स जनरेट होते हैं जिसके लिए बहुत सारा पोटेशियम यूज हो जाता है और हाइपोकेलेमिया हो जाता है हाइपोकैलिमिया रिनल एक्सक्रेशन बढ़ने से भी हो सकता है जैसे कि मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस कुशिंग सिंड्रोम लूप लूपडायरेटिक का यूज और अदर ड्रग यूज जैसे कि एम्पोटेरिसिन, जेंटामाइसिन सिस्प्लाटिन एटसेट्रा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि जिटलमन सिंड्रोम बार्टर सिंड्रोम लीडल सिंड्रोम एटसेट्रा हाइपोकेलेमिया के सिम्टम्स सीवियरिटी पे डिपेंड करते हैं माइल्ड हाइपोकेलीमिया यूजुअली असिम्टमेटिक होता है मॉडरेट और सीवियर हाइपोकेलेमिया में भी अंडरलाइन डिसऑर्डर के सिम्टम्स यूजुअली प्रीडोमिनेट करते हैं सीवियर हाइपोकेमिया में मल्टीपल सिस्टम्स पे अफेक्ट होता है सीवियर हाइपोकेलीमिया में मसल पेन क्रैम्प्स और फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है वेंट्रिकुलर अरिदमियास की वजह से गिडिनेस सिंकोप और कोलैब्स भी हो सकता है जीआई मोटिलिटी कम होने से या पैरिटिक इलियस से कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है हाइपोकेलेमिया से डायबिटिक पेशेंट में ग्लाइसिमिक कंट्रोल हैम्पर होके हाइपरग्लाइसिमिया हो सकता है हाइपोकेलेमिया के वर्कअप में बहुत बार हिस्ट्री से ही अंडरलाइन कॉज का पता चल जाता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से अल्कोलोसिस का पता चल सकता है यूरिन यूरिन पोटेशियम लेवल सीरम रेनिन लेवल, सीरम लेवल और जीनेटिक स्टडीज हाइपोकेलीमिया के रेयर कॉजेस को पता करने के लिए किए जाते हैं जब सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.5 पॉइंट फाइव पर लीटर के बीच होती है तब इसीजी नॉर्मल होती है सिरम पोटेशियम लेवल जैसे ड्रॉप होती है वैसे टी वेव एम्पलीट्यूड कम होते जाता है और यू वेव एम्पलीटूड बढ़ते जाता है हाइपोकेलेमिया के सिविरिटी के बढ़ते टी वेव डिस हो जाती है एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाती है और यू वेव प्रोमिनेंट बन जाती है ऐसे केसेस में यू वेव टी वेव के साथ कन्फ्यूज हो सकती है और क्यूटी इंटरवल फॉल्सली प्रोलॉन्ग दिखाई देता है टी वेव और यू वेव शेप से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं यू वेव राउंडेड वेव होती है वही टी वेव एक असिमेट्रिक वेव होती है सीवियर हाइपोकेलिमिया के पेशेंट में अरिदमिया होने का खतरा बना रहता है एट्रियल अरिदमिया से वेंट्रिकुलर अरिदमिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं हाइपोकेलिमिया के ट्रीटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए सिरम पोटेशियम लेवल में एवरी वन मिलीक्वैलेंट पर लीटर की फॉल के लिए पोटेशियम डिफिसिट टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मिलीक्वाल इतना होता है ये कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होता बल्कि अप्रॉक्सिमेट होता है माइल्ड केसेस में सिर्फ ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं इंट्रावेनस पोटेशियम वेन्स के लिए हाईली इरिटेंट होता है इसीलिए आईवी पोटेशियम टेन मिलीक्वैलेंट पर आर ऐसे स्मॉल में दिया जाता है। इमरजेंसी मिलीक्ट पर आर ऐसे लार्ज डोजेट्रस लाइन से अंडर क्लोज कार्डियक सुपरविजन दे सकते हैं ओरल और पैरेंटरल पोटेशियम साथ में दे सकते हैं जिन पेशेंट में नेजोगेस्ट्रिक सक्शन हो रहा हो ऐसे पेशेंट में रेनिटिडिन जैसे एसटू ब्लॉकर्स पोटेशियम लॉस कम कर सकते हैं पोटेशियम करेक्शन में ऑनगोइंग लॉसेस को भी कंसिडर करना चाहिए अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोकेलीमिया है तो ऐसे पेशेंट में पोटेशियम की ग्लूकोज इंड्यूस इंट्रासेलरशिप ना हो इसीलिए ग्लूकोज कंटेनिंग पैरेंटरल फ्लूड्स अवॉइड करने चाहिए अगर हाइपोकेलेमिया के साथ एसिडोसिस हो तो पोटेशियम की अल्कली इंड्यूस इंट्रासेलुलर शिफ्ट से फर्दर हाइपोकिमिया को अवॉइड करने के लिए पहले पोटेशियम करेक्शन देना चाहिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए next video thug take care and keep learning